धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। नमस्कार दोस्तों, एयरलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना सन 1869 में हुई थी। JNU अधिनियम 1966 को भारतीय संसद द्वारा 22 दिसंबर 1966 ने पास किया गया। अब तक इस विश्वविद्यालय में 11 वाइस चांसलर रह चुके हैं। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के दक्षिण भाग में स्थित है। JNU कैंपस लगभग 1100 एकड़ में फैला है। सुविधा की दृष्टि से सही प्रकार के सुविधाओं से लैस है। यहाँ 18 हॉस्टल है, इसमें 4 लड़कों के लिए, 4 लड़कियों के लिए, कुछ विवाहित जोड़ों के लिए और कुछ वर्किंग वुमेन्स के लिए है। 2018 के अनुसार JNU में मेस का मासिक किराया 850 रुपये है। सिंगल सीटेड रूम का किराया 240 रुपये, वहीं डबल सीटेड रूम का किराया 120 रुपये है। JNU की लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है, जिसमें 9 मंजिलें हैं। लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि इसमें सभी विद्यार्थी आराम से पढ़ सकते हैं और इसमें सभी प्रकार के बुक्स उपलब्ध रहती है। JNU में 12 स्टूडेंट पर एक टीचर रहता है, जिसे सभी स्टूडेंट पर बराबर ध्यान दिया जा सके। JNU एक टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ऐसी यूनिवर्सिटी के तौर पर जानी जाती है, जहाँ की फीस काफ़ी कम है। एक स्टूडेंट के तौर पर आप मात्र 425 रुपये देकर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन के लिए 401 रुपये देने होंगे, वहीं पार्ट टाइम के लिए मात्र 250 रुपये चुकाने होंगे। यदि कोई छात्र ST/ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो ऐसे छात्रों की हॉस्टल फीस माफ़ की जाती है और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि कोई छात्र कुष्ठ रोग से पीड़ित परिवार से संबंधित है तो उसकी ट्यूशन फीस माफ़ की जाती है। इसके अलावा NDA के जरिए भर्ती होने वाले जवानों को JNU डिग्री देता है। बात करें यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों की तो यहाँ बहुत सारे विषयों पर शोध किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भाषा साहित्य और संस्कृति अध्ययन, भौतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इत्यादि। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 200 करोड़ की राशि JNU को दी जाती है, जो कि 8,432 छात्रों के लिए ठीक ठाक बजट है। बात करें अवार्ड्स की तो साल 2017 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड JNU को मिल चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अनुसार टॉप 60 यूनिवर्सिटीज में JNU को सेकेंड रैंकिंग हासिल हुई है। 2019 के नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। इसके अलावा नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री भट्टा राय और भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी यहाँ के स्टूडेंट रह चुकी हैं। इसके अलावा JNU से पढ़ने वाले छात्र अपने अपने फील्ड में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।